मम्मी आप ना हमारी दोस्त को हाय हेलो बोलो, हेलो। हमारी सच्चाई दिखा रखा आप लोग को, आप लोग को लग रहा होगा कि ये झूठी झूठा ब्लॉग बना रही है, बिल्कुल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों स्वागत आपका फिर से विक्की अफसू ब्लॉग में। तो पहले तो दोस्तों हमारी तरफ से नमस्कार। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम दोनों ने लव मैरिज करी हुई है, तो इसके चलते इनके फैमिली के भी हमसे नाराज है, मेरी फैमिली से नाराज है। लेकिन दोस्तों आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि ये अफसू ही बताएंगे क्या स्पेशल दिन है आज। दोस्तों ये बताऊं, मुझे तो एक तरफ तो एक खुशी एक होती है ना अंदर से खुशी फीलिंग, ये हो रही हूँ मैं बहुत ज्यादा। और आज ऐसा लग रहा है कि एक सास की बहू के पास आई है, वो चाहती थी मैं तो भैया हमें अपनाए तो प्यार करे, तो ऐसे लग रहा है कि हमारा बेबी आ रहा है। तो ये खुशी सारे ना ये बच्चे ही ले आ रहे हैं हमारे लिए खुशी। तो आज हमारी सास आई है तो बहुत कुछ लेके आई है हमारे लिए, और साथ साथ आशीर्वाद भी लेके आए। तो जरूर, तो आपको पता ही है दोस्तों की आशीर्वाद की जरूरत होती है इस टाइम पे। तो आप और तो सारे ये बताएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं बेटर पार्टी का काम करता हूँ, वो इन दिनों में चल भी नहीं रहा। तो घर में ना खाने पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो पता नहीं मेरी माँ मेरा रब बन के आई है वो आई घर में है, उन्होंने सामान लेके आए बहुत कुछ, और उन्होंने हमें कुछ कैश पैसे भी दिए हैं। बहू की जो एक रस्म होते होंगे यहाँ की, बहू की चेहरा देख के देते होंगे ना, वो थोड़ी मम्मी ने हमें दिया है प्यार से। तो दोस्तों अभी आपको मम्मी से ही मिलाएंगे। हाँ, हमारे मम्मी से भी मिलाएंगे। और ऐसे लग रहा है कि अब मेरी माँ ने तो अपनाया नहीं अभी तक। तो दोस्तों आप लोग को मैं मिलाना चाहती हूँ मेरी सासू माँ को। तो दोस्तों मैं मम्मी की ना अब आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। दोनों पैर छोते हैं तो हमारी नेपाली में ना ऐसे पैर छोते हैं, और यहाँ के कैसे छोते हैं मुझे नहीं पता। तो अब मम्मी आ गई है तो मम्मी सारे सिखा देंगी मुझे। तो दोस्तों आप लोग से मम्मी दो हमारी दोस्तों को आप ना हेलो बोल दो। आशीर्वाद तो ले ले। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप ना हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो, जो भी हो लड़का लड़की, तो उसके लिए आशीर्वाद भी दे दो मम्मी, और मुझे भी आशीर्वाद दो। तो भाई हम ना अब इस बच्चे के कारण ही इतना खुशी मिल रही है, तो आगे भी दोस्तों आप लोग दुआ करो कि हमें ना खुशी मिले, बड़ों के आशीर्वाद मिले। बस यही चाहती हूँ दोस्तों मैं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, हमारे घर में जो भी है बेबी आएगा, लड़का लड़की कोई भी आएगा, तो उसके आने पर मेरी माँ का जो नाराजगी है मुझसे वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों लग भी रहा है माँ की नाराजगी खत्म हो चुकी है, तो माँ का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों मम्मी हमसे भी बहुत लग रहा है खुशी की दूसरी है, दुखी आई है तो मुझे नहीं पता, धीरे धीरे पता चली जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मम्मी ने जैसा कि मैंने बताया था, मम्मी हमारे लिए बहुत कुछ लेके आई है। तो बेटा बहू के लिए बहुत कुछ लेके आई है, खासकर तो बहू के लिए, बेटे के लिए तो कुछ नहीं है, बहू के लिए है खाने पीने के लिए, तो वो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैं चाहती थी ना भले ही मम्मी कुछ भी ना ले आए, बस आशीर्वाद की जरूर था हमें कि हमारा ये बच्चा अच्छे से आए इस दुनिया में। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरी माँ क्या लेके आई है अपने बेटे बहू के लिए। आओ आप सूजी दिखाते हैं क्या क्या लेके आए मम्मी। दोस्तों देखते हो माँ ने, ये पुदीना है, ये धनिया है, पालक है इनके लिए, ये अनार है, सेब है, तरबूज भी है, और इसमें शायद तेल भी है। ये दोस्तों हमारी मम्मी हम दोनों बेटा बहू के लिए लेके आई है।
तो दोस्तों मेरी ना ये इसका नाम क्या है बेबी? तरबूज। तरबूज मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, और पता नहीं ऐसा लगता है जो ये बेबी है ना पेट में, तो मुझे ज्यादा ही पसंद है ये चीज। अनार और तो इलाय के घर में रहते है ना, तो आशा करती हूँ दोस्तों ना मम्मी हमें पसंद करके प्यार करके कि हम ऐसे कर पाए कि ना मम्मी को भाई इतना खुश दे पाए दोस्तों हम कि मम्मी ना हमें बच्चा होने के बाद उनके घर पे जाऊँ मैं, हैं तो मेरा ससुराल जाऊँ मैं, तो बस ये आशा करती हूँ मैं। तो बस आप लोग ना दोस्तों कमेंट नहीं करते और प्यार नहीं देते आप लोग, या आप लोग को पसंद नहीं आया वो हमारे ब्लॉग, ये पता नहीं दोस्तों, पर प्लीज मैं आप लोग को हाथ जोड़ती हूँ, तो हमारा सपोर्ट करो दोस्तों, सपोर्ट कर दो प्लीज। ये हमारी सच्चाई दिखा रखा आप लोग को, आप लोग को लग रहा होगा कि ये झूठी झूठा ब्लॉग बना रहे, ये बिल्कुल। दोस्तों अब सूजी मम्मी के लिए खाना बनाने लग रही है, तो खाने की तैयारी हो चुकी है। देखो अब सूजी रोटी बना रही है। अब सूजी कुछ कहना चाहोगे अपने दर्शकों से? और तो आप लोग प्यार ही नहीं करते, मुझे इसी बात की दुख हो रही है दोस्तों। कुछ कमेंट में कुछ बता दो, कुछ कमी है तो बता दो, आप लोग बताते ही नहीं हो जी। कोई दोस्तों यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है, तो मैं यहाँ हमारे किचन में लाइट नहीं है, हमारे किराए के घर में लाइट नहीं है। तो दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं।